यार भाई 300 रुपए का चिप्स, पेट्रोल का जो प्राइस है यार, आप सोचिए 160 अंगोलन क्वांजा यानी इंडिया का 27 रुपए, 50 रुपए 4 किलोमीटर के लिए। गोला के बर्गर के प्राइस, ये रहा आलू, 1.5 लीटर पानी का प्राइस 300 अंगोलन क्वांजा, 3 BHK ऑन एन एवरेज जो प्राइस है रेंट पे रहने के लिए ऑलमोस्ट 30,000 से लेके 50,000 प्लस बियॉन्ड। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक वंस अगेन फ्रॉम अंगोला जर्नी, और मैं अभी भी हूँ यार लुबांगो शहर। ये रहा मकौन बस सर्विस यानी ट्रांसपोर्ट सर्विस आप बोल सकते हो, जो पूरे अंगोला कंट्री में ट्रैवल करने के लिए इकलौता सबसे पॉपुलर बस सर्विस है, जिसको मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से बेंगोला या लोबिटो तक के लिए, जो कि ऑलमोस्ट डिस्टेंस पड़ेगा मान चलिए 400 किलोमीटर यानी 360 किलोमीटर लगभग पड़ रहा है। मैं आपको बोला था कि यार अंगोला काफ़ी कॉस्टली है, अब आप सोचो कि लेस देन 400 किलोमीटर के लिए इन्होंने चार्ज किया अपने को 10,400 अंगोलन क्वांजा, लगभग 1800 इंडियन रुपीस का टिकट अपने को पड़ा यहाँ से लेके लोबिटो तक के लिए। यहाँ से लुआंडा अगर आप ट्रैवल डायरेक्ट ट्रैवल करते हो तो आई थिंक ये 15,000 प्लस के ऊपर का टिकट आपको पड़ सकता है। बाकी ये रहे अपने विजय भाई, जो कि काफ़ी हेल्प किए और इतने दिन से इनके घर पे टिका रहा है यार, थैंक यू सो मच ब्रो वंस अगेन। हाँ होपफुली हम दोबारा जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं। अब आप सोचो कि हार्डली 30 किलोमीटर हम लुबांगो से बेंगोला की तरफ बढ़ रहे हैं और रोड की जो कंडीशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जो मोजाम्बिक में मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, बीच बीच में गड्ढे बड़े बड़े वो देखने को मिल रहे हैं। अंगोला के लिए बारे में ये भी बोला जाता है कि इनका जो रोड का कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ट्रैवल टाइम जो आपका होगा जितना गूगल मैप में दिखा रहा है या एक्सपेक्टेड है या आपको बताया गया है उसका आप डबल कंसिडर जरूर करिएगा। अब आप हालत देखिए ऑलरेडी रोड की, ये आप देखिए। गाइज ये कोई रेस्टोरेंट है मिनी बार करके, जहाँ पे अपनी गाड़ी रुकी हुई है, ये देखिए मकौन 18388 LD2479GZ। बेसिकली लंच के लिए गाड़ी रुकी हुई थी तो हम अंदर गए पूछने के लिए कि यार कि हमारे लिए खाने में क्या है, तो पता चला कि ले देके सारा कुछ नॉनवेज है। चिप्स अपने को दिखा जो कि ये साइड डिश के साथ दे रहे हैं, यानी फुल प्लेटर अगर आप लोगे तो उसमें आपको ये लोग दे रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आप सिर्फ मुझे चिप्स दे दो, तो मोहतरमा ने मना कर दिया यार, अब मैं खाऊं क्या। तो आई थिंक ले दे के मेरे पास एप्पल है और मौसमी, मैं उसको खाने की कोशिश करता हूं। तो अंगोला में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे खाने के मामले में। अगर देखा जाए तो लुबांगो जहाँ था बॉर्डर से लेके अभी तक 600 से 700 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, बट कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला अपने को, ना ही कोई वेजिटेरियन फूड। मोस्टली हर जगह लोकल स्ट्रीट फूड ही आपको नॉनवेज मिलेगा, तो ये एक पंगा है। ब्रेड मिल सकता है अगर आप मांगोगे, वो भी प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक्सप्लेन करने में, मैंने उनको गूगल ट्रांसलेट से समझाने की कोशिश की फिर भी मोहतरमा को नहीं समझा। तो कोई नहीं, जो अपने पास है रूखा सूखा उसी से खा के हम गुजारा करते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ये जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब मोस्टली बेचते हैं स्ट्रीट फूड, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको मिलेगा नॉनवेज यानी कोई ना कोई मीट, 100 क्वांजा से लेके 500 क्वांजा मैक्सिमम 1000 क्वांजा तक आपको कुछ भी खाने को मिल सकता है। जैसे केला का जो बंच है ये आपको 500 क्वांजा में मिल जाएगा यहाँ पे। देखा भाई 5 बज गया ऑलमोस्ट और सुबह से निकले हैं और अब जाके मैं पहुंचा हूं बेंगोला, कि काफ़ी खूबसूरत शहर है और कहीं ना कहीं कोस्ट पार्ट ऑफ अंगोला में मैं आ चुका हूं। और ये देखिए शहर का पहला इम्प्रेशन, पहला नज़ारा काफ़ी डेवलप लग रहा है यार, बिजनेस एरिया भी आप इसको बोल सकते हो। और एक चीज़ जो अभी मुझे काफ़ी अच्छी लगी और पसंद आई कि हर 100 या 200 मीटर आप ट्रैवल करोगे अंगोला कंट्री में तो अंगोला कंट्री का फ्लैग हर जगह, चाहे बिल्डिंग हो प्रिमाइज हो, 200 से 500 मीटर के अंदर आपको इनका फ्लैग
लहराता हुआ जरूर नजर आएगा। काफी प्राउड मोमेंट होगा इन लोकल अंगोलन लोगों के लिए। और ये रहा मैकॉन का बेंगेला का मेन ऑफिस, जहाँ पे अपनी ये बस आके खड़ी हो गई है यार। तो अब 40 मिनट के लिए ये लोग रेस्ट ले रहे हैं, और अभी यहाँ से अपने को 26 किलोमीटर कटुम्बेला पड़ता है, वहाँ तक जाना है, उसके बाद पड़ता है लोबिटो शहर। अभी तक जितना मैंने देखा गाड़ी में बैठे बैठे काफ़ी कंजस्टेड है अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा। छः बज के 43 मिनट और ये रहा, आप देखिए जो कटुम्बेला है वहाँ पे ये मकान जो बस सर्विस है उसका ऑफिस। ऑलमोस्ट 7 बजे हम पहुँचे और हमने अपने दोस्त यशवंत भाई को कॉल किया कि आप आके हमें यहाँ से पिक करिए। भाई कितना धूल मिट्टी उड़ रहा आप देख रहे हो, और इतना थकाऊ भरा दिन रहा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। तो अभी कैमरा बंद करता हूँ यहाँ पे और आपसे मिलता हूँ अब सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक वंस अगेन। कल रात में आपने देखा कि कैसे मैं बेंगेला यानी कटुम्बेला जहाँ पे मुझे आना था अपने होस्ट के यहाँ पे, वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ लगभग 7 बजे, और फिर वो मुझे पिक करने आए गाड़ी से और मैं उनके घर पर आया। तो उनका घर मैं आपको दिखाने से पहले अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, और ये रहा चाय। दूध की चाय जब मिल जाती है भाई तो दिल खुश हो जाता है। ये सबसे बड़ी तकलीफ़ रहती है जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। और ये रही दो सब्जी, एक कैबेज की है और एक दाल और मिक्स फ्राई किया हुआ। ये रहा चपाती यानी पराठा, और ये रहा एक सेब। तो ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट जो हम करने वाले हैं। बॉडी इतनी ज़्यादा पेन कर रही है, इतना ज़्यादा वीकनेस लग रहा है यार, फीवर जैसा फील हो रहा है। ये है इनका घर यानी हमारे इस होस्टिंग प्लेस पे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। एक छोटा सा क्विक टूर दे देता हूँ आपको, बाहर आप आओगे सेकंड फ्लोर पे है ये। ये रहा मेन गेट, जैसे आप आओगे इसी यहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखिए कितना बड़ा हॉल है। मैंने आपको बोला था कि अफ्रीका में जो भी घर होते हैं उनके प्रिमाइस काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं यार। अब आप ये सोचिए लिविंग रूम है इतना बड़ा, आप कहाँ भी जाओगे। ये देखिए सोफ़ा वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है, बड़ी सी टीवी जिसमें सारे चैनल आ रहे हैं, बाकी पंखा, इधर डाइनिंग टेबल, एक टेबल ये रहा, किचन दो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी वाईफाई ये देखिए यहाँ पे वाईफाई है, ये टेबल वगैरह है, और एक टॉयलेट अभी इधर अंदर भी है। मोहम्मद साहब हैं जिनको अंग्रेजी आती नहीं, इनको सिर्फ पोर्चुगीज आती है। बाकी ये रहे फ्रिज, फ्रिज काफ़ी अच्छा लगा अपने को यार, एक फ्रिज ये। अब दो किचन आपको दिख रहा है, एक किचन ये और एक किचन ये। एसी हर जगह लगा हुआ है, और बेसिन वगैरह भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब पूरा जो डिज़ाइनिंग है इस घर की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यार। अब देखिए ये रहा पूरा किचन जहाँ पे खाना वगैरह बनता है। इधर आप आओगे तो ये है एक दूसरा बड़ा लिविंग रूम यानी हॉल। ये रहा मेरा अपना मास्टर बेडरूम, अभी सो के उठाऊँ तो पूरा इधर उधर मचा हुआ अपने सारे सामान। एसी दिन में थोड़ा सा गर्म है, रात में ठंडा रहता है। तो ये फुल फर्निश्ड घर का जो रेंट है वो है $1,000 यानी रफली 82,000 इंडियन रुपीज़। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना कॉस्टली है अंगोला। तो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार, और स्पेस हर जगह आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारी सुख सुविधा यहाँ पे है। पेट्रोल का जो फिलिंग स्टेशन है वहाँ पे मैं हूँ, और पेट्रोल का जो प्राइस है यार आप सोचिए 160 अंगोलन क्वांजा यानी इंडिया का 27 रुपये। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा सस्ता है अंगोला में पेट्रोल का प्राइस। और डीजल 130 अंगोलन क्वांजा यानी लगभग आप मान के चलो 22 से 23 रुपये। कितना बड़ा डिफरेंस है इंडिया में, आप सोचो कि 120 रुपीज़ INR इतना ज़्यादा क्रॉस हो चुका है पेट्रोल और डीजल का प्राइस। देखा जाए तो अंगोला हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, बट ये एक ऐसा चीज़ है अंगोला में सस्ता है। रीज़न क्योंकि अंगोला के पास इनका खुद का जो कबांडा एरिया है वो वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्सफुल प्लेस है अंगोला कंट्री के लिए बिकॉज ऑफ ऑयल रिसोर्स।
ठीक है या अगर आप तो उन्होंने सो इस टोटल के बंजूर कैफे पे ये जो अपने को कॉफी का कॉस्ट पड़ रहा है वो है 500 kwanza। तो ये रहा अपना मोटो भाई भाई ब्रो ओब्रिगादो। तो भाई साहब ने ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की राइड के लिए 600 अंगोलन क्वांजा यानी 300 पर पर्सन उन्होंने चार्ज किया, 50 रुपये 4 किलोमीटर के लिए। यार भाई 300 रुपये का चिप्स, वो भी अंगोला में। अब आप सोचिए क्यों बोला जाता है कि अंगोला कंट्री वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, और लुआंडा जो कि सबसे एक्सपेंसिव सिटी। 300 रुपये का चिप्स यहाँ पे ये देखिए मिल रहा है। अंगोला के बर्गर के प्राइस, हम बर्गर द फ्रेंगो 1500 अंगोलन क्वांजा, फिर इधर आइए 1500, इधर 1300। सेब का प्राइस अंगोला में आप देखिए 1589 क्वांजा, लगभग 200 इंडियन रुपीज़ हुआ पर केजी। ये हरा वाला सेब आप देखिए, ये भी है 1549, लगभग 200 इंडियन रुपीज़ पर केजी। यार तरबूज वाटरमेलन 269 क्वांजा का एक, पाइनएप्पल पर केजी 299। ये रहा संतरा, संतरा आप देख रहे हो 2599 पर केजी, ऊपर प्राइस लगा हुआ है, काफ़ी महंगा है यार। तक का प्राइस देखिए यार 679 क्वांजा, 350 क्वांजा में 100 ग्राम लाल मिर्च ये वाली, और इधर ये देखिए 3599 यानी 3600 में 1 kg, ये सेम यानी बरबट्टा आप बोलिए। और बैगन वो भी सड़ा हुआ, बैगन तो अच्छा नहीं दिख रहा यार, 500 क्वांजा में 1 kg। ये रहा शिमला मिर्च, शिमला मिर्च 200 क्वांजा में लगभग 100 ग्राम शिमला मिर्च 200 क्वांजा। और ये रहा खीरा, खीरा 700 क्वांजा में 1 kg। पत्ता गोभी 500 अंगोलन क्वांजा 1 किलो। बाकी ये रहा कद्दू 600 अंगोलन क्वांजा 1 kg, इधर ये 800 अंगोलन क्वांजा 1 kg, दोनों में डिफरेंस है। ये गाजर है 1 kg 1200 अंगोलन क्वांजा। ये रहा आलू, अब आलू की क्वालिटी तो अच्छी नहीं नज़र आ रही, फिर भी देखिए 870 अंगोलन क्वांजा का 1 kg। और वहीं पे प्याज जो है 900 अंगोलन क्वांजा में 1 किलो। वाइट ये प्याज है मोस्टली, काफ़ी लोग यार वाइट प्याज यहाँ पे ज़्यादा खाते हैं, रेड वाला क्योंकि काफ़ी कॉस्टली भी होता है और यहाँ पे मिलता भी कम है मोस्टली, क्योंकि ये सारे चीज़ें आती हैं साउथ अफ्रीका से। किंग ऑयल आप देखिए 1550 अंगोलन क्वांजा का 1 लीटर। यार दही कितना महंगा आप देखिए, 1000 अंगोलन क्वांजा में 250 ग्राम प्लेन दही, मतलब दबा के महंगा है, आप सोचिए ओवर प्राइस मैं बोलूँगा अंगोला। ये देखिए ये नूडल्स हो गया, स्पैगेटी जो हम बोलते हैं, 250 अंगोलन क्वांजा में 400 ग्राम। देखिए फ्रूटी ट्रॉपिकाना 1 लीटर 600 अंगोलन क्वांजा। ये 200 ग्राम का बटर आप देखिए 1600 अंगोलन क्वांजा। फेंटा 1.5 लीटर 850 अंगोलन क्वांजा। अब ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट डीओ है यहाँ पे, 650, 700, 800 अंगोलन क्वांजा का, लगभग 75 ml से लेके 150 ml तक आपको मिलेगा। कोलगेट 75 ml 2500 अंगोलन क्वांजा। सेंसोडाइन आप देखिए 4000 अंगोलन क्वांजा में 75 ml, कितना ज़्यादा कॉस्टली है। ये ब्राउन ब्रेड आप देखिए 1800 अंगोलन क्वांजा में 600 ग्राम, 100 ग्राम नमक 250 अंगोलन क्वांजा। ये देखिए सूप नॉर का 100 ग्राम 350 अंगोलन क्वांजा। अब ये देखिए ये दूध है 1 लीटर 950 अंगोलन क्वांजा। चीनी 1 kg 950 अंगोलन क्वांजा। लेस 80 ग्राम 1150 अंगोलन क्वांजा। शहद आप देखिए मिल द मैक्सिको ऐसा कुछ लिखा है, 1 किलो 5400 अंगोलन क्वांजा। 200 ग्राम का मारा बिस्किट 800 अंगोलन क्वांजा। 1.5 लीटर पानी का प्राइस 300 अंगोलन क्वांजा। कोका कोला 300 ml 220 अंगोला क्वांजा। मतलब अभी तक जितने भी प्राइस मैंने देखे आप सोचिए कि ओवर प्राइस है, हद से ज़्यादा महंगा है अंगोला, मैं आपको बोल सकता हूँ।
गाइस ये रहा किलाम्बा एरिया जो कि मिनी लुआंडा आप इसको बोल सकते हो, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर आउटस्कर्ट ऑफ द लुआंडा शहर। बेंगोला या लोबिटो से जब आप लुआंडा की तरफ आओगे तो ये सबसे पहले पड़ेगा। मैं इसको आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा जो फ्लैट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा वो इस किलाम्बा एरिया में मिलेगा। ए से स्टार्ट होकर जेड तक ख़त्म होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। और प्राइसिंग की बात करें रहने के लिए, फ्लैट सिस्टम है, मोस्टली 3 BHK एंड 5 BHK आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को। 3 BHK ऑन एन एवरेज जो प्राइस है रेंट पे रहने के लिए वो है ऑलमोस्ट इंडिया का 20,000 रुपये, और 5 BHK अगर आप लेते हो तो ऑलमोस्ट 30,000 से लेके 50,000 प्लस बियॉन्ड, डिपेंड्स ऑन क्या क्या उसमें आपको फैसिलिटी मिल रही। और काफ़ी ग्रीन है हर जगह, आप देखो पार्किंग सिस्टम आपको अलग मिलेगा और हरा भरा है। इंडिया में नहीं है कि आप इस तरह के माहौल में जब आप रहते हो तो पार्किंग वगैरह जो भी आपको मिलता है वो ऑन द ग्राउंड मिलता है। बाकी काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी क्लीन है ये वाला एरिया जो मैंने अभी तक देखा। और गाड़ी आप देखिए पूरे इस जगह पे जहाँ भी आप देखोगे, क्योंकि अफ्रीका में वैसे ही बोला जाता है कि इनको गाड़ियों का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, ख़ासकर जो SUV गाड़ी आप बोलो या आप बोलो 4x4 का क्रेज़ ज़्यादा है, यानी लंबी गाड़ियाँ, क्योंकि ऑफ बीट रोड पे इन्हें कई बार जाना होता है। तो ये रहा इनका लोकल स्टेपल स्ट्रीट फूड अंगोला कंट्री का, जिसका चार्ज है 500 क्वांजा। सो वहीं अगर आप अंगोला में किसी भी रेस्टोरेंट में यानी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो पर पर्सन मील कॉस्ट आपको वहाँ पे पड़ेगा वो 5,000 क्वांजा से लेके 10,000 क्वांजा तक आपको चार्ज किया जाएगा। वहीं अगर आप एक एवरेज रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 2,000 क्वांजा से लेके 5,000 क्वांजा। शेयरिंग टैक्सी अगर आप अंगोला में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे 1,000 क्वांजा से लेके 3,000 क्वांजा तक, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। वहीं अगर आप प्राइवेट बुक करके जा रहे हैं तो 5,000 क्वांजा से लेके 10,000 क्वांजा तक आपको पे करना होगा। स्टे यानी होटल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है पूरे के पूरे लुआंडा शहर में या पूरे अंगोला कंट्री में। ऑन एन एवरेज अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके चेक करोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन खुद आप जाके इन किसी भी होटल्स में चेक इन करने की कोशिश करते हैं तो अंगोला में नॉर्मल प्राइस मिनिमम आप मान के चलिए INR में 2,000 INR से लेकर 10,000 INR पर पर्सन पर नाइट आपको स्टे के लिए पे करना पड़ेगा। इवन क्योंकि एक्सपेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आपको होटल और ये जो रिजॉर्ट है यहाँ पे उसके कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई लगेंगे। हॉस्टल का कल्चर काफ़ी ज़्यादा कम है अंगोला में। यू हाउ आर यू? यू आर फाइन, यू आर शाइन सो मच, व्हाई, व्हाट हैपेंड? नो इंग्लिश, किडोगो किडोगो, स्लोली स्लोली। योर नेम? माय नेम इज इमाकुलादा। हाँ, इमाकुलादा। इमाकुलादा, मी अंश, Ansh from India, but I'm a YouTuber, you know, I travel and make travel videos. Yeah. So you want to come to India? I don't understand. You don't understand? I'm asking from her, you want to come to India? Hello, bhai, leva. Usko samajh mein nahi aa raha. Kare leva in India. Yeah. You don't wanna come? Hello, guys.